Assalamu alaikum friends, my name is Shyam Paisal and today is my lecture General Characteristic of Bacilli Rhopalici. इसका जनरल कैरेक्टरिस्टिक ये सब इस वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे और आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बेसिली रोपाइसी। बेसिली रोपाइसी का जनरल कैरेक्टरिस्टिक इट इज़ आल्सो कॉल्ड डिएटम्स, यानी फर्स्ट पे यानी इसको हम डिएटम्स भी कहते हैं। और सेकंड, इट इज़ प्रेजेंट बोथ फ्रेश वाटर एंड मेरीन वाटर, यानी ये मौजूद है यानी फ्रेश वाटर में ज़्यादातर मौजूद हो और मेरीन वाटर में यानी ये यानी फ्रेश वाटर यानी दरियाओं में नहरों में यानी आम पानी में यानी ये मौजूद हो और मेरीन वाटर यानी समंदर के पानी में ये ज़्यादातर मौजूद हो। बेसिली रोपाइसी इट इज़ कॉस्मोपोलिटन, कॉस्मोपोलिटन मीन वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन। और ये प्लांट जो है ना ये कॉस्मोपोलिटन है यानी कॉस्मोपोलिटन मीन यानी दुनिया के हर जगह में ये प्लांट मौजूद हो और वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन। और फोर्थ पे, इट मे बी सीसाइल इन हैबिटेट आर प्री प्लॉटिंग प्लांकटन वेयर व्हेन सीसाइल दे आर अटैच टू अदर टाइप ऑफ एल्जी आर रॉक आर अदर सॉलिड ऑब्जेक्ट अंडर वाटर। और ये जो है ना यानी ये यानी मुख्तलिफ हैबिटेट्स में यानी ये मौजूद हो यानी पानी की जगह में ये ज़्यादातर मौजूद हो और समंदर की जगह में ये ज़्यादातर मौजूद हो ये प्लांट्स। और ये जो अटैच करता है यानी यानी ये एल्जी के साथ हो और इसमें यानी सॉलिड यानी मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट की बुनियाद पर यानी इसमें पानी ज़्यादातर मौजूद हो। और पिप पे, दे आर यूकैरियोटिक इन नेचर, और ये जो है ना ये यूकैरियोटिक है। और सिक्स पे, मेजॉरिटी ऑफ यूनिसेलुलर एंड सम आर मल्टीसेलुलर आर कॉलोनियल, यानी मेजॉरिटी में जो है ना ये यूनिसेलुलर है और बाज़ औक़ात यानी ये मल्टीसेलुलर या कॉलोनियल फॉर्म में ये हो। डिएटम्स आर जनरली 200 माइक्रोमीटर इन साइज। और डिएटम्स जो है ना यानी बेसिली रोपाइसी यानी इसका मीन जो है ना यानी इसको हम डिएटम्स भी कहते हैं। और डिएटम्स यानी इसका जो साइज़ है यानी 2 से लेकर 200 माइक्रोमीटर यानी इसका साइज़ मौजूद हो। और एट कैरेक्टरिस्टिक जो है ना डिएटम्स जनरली डिएटम्स मॉर्फोलॉजी वेरियस ऑल द शेप ऑफ द सेल इज सर्कुलर ओवल ट्राइंगुलर और स्क्वायर, यानी इसका जो शेप है यानी ये सर्कुलर यानी गोल दायरे की वजह से यानी इसका जो शेप है सर्कुलर है और ओवल है ट्राइंगुलर है और स्क्वायर है यानी ये इसका शेप है डिएटम्स या बेसिली रोपाइसी का शेप है। और नाइन्थ पे, सिल्वाल इज कम्पोज ऑफ फैक्टिक सब्सटेंस विद सिलिका, और सिल्वाल जो है ना ये मुश्तमिल हो यानी फैक्टिक सब्सटेंस यानी सिलिका पे। और टेंथ कैरेक्टरिस्टिक जो है ना दे आर गोल्डन ब्राउन और येलो इन कलर, और इसमें यानी ये जो रंग में यानी ये ब्राउन हो या येलो यानी जर्द हो यानी इसमें यानी ये जर्द हो कलर में डिएटम्स या बेसिली रोपाइसी। और 11, द सेल आर डिप्लॉयड, और इसमें जो सेल मौजूद हो यानी ये डिप्लॉयड की शक्ल में इसका ये जो सेल मौजूद हो यानी 2N और हैप्लॉयड यानी इन। और 12 पे, पिगमेंट आर क्लोरोपिल ए, क्लोरोपिल सी एंड जेंटोपिल, और इसमें जो पिगमेंट्स मौजूद हो यानी ये क्लोरोपिल ए मौजूद हो इसमें और क्लोरोपिल सी मौजूद हो और जेंटोपिल इसमें मौजूद हो। रिजर्व पुट आर स्टार आर आयलो, और इसमें जो रिजर्व पुट जो है ना ये आयल की पाम में मौजूद हो और इसमें 3 तरह के रिप्रोडक्शन मौजूद हो। रिप्रोडक्शन आकर बाय 3 वेज, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय सेल डिवीजन, और इसमें जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है यानी ये सेल डिवीजन है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय ऑरोस्पोर फॉर्मेशन, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी इसमें यानी ये ऑरोस्पोर फॉर्मेशन में हो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और 6 पे, यानी 16 कैरेक्टरिस्टिक पे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय आइसोगेमस और हेटरोगेमस, और इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मौजूद हो यानी ये आइसोगेमस में हो या हेटरोगेमस में हो या ओगेमस में हो। और इसमें एग्जांपल फॉर एग्जांपल पेनुलेरिया, और इसमें जो एग्जांपल मौजूद हो यानी ये पेनुलेरिया इसका एग्जाम्पल हो। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करेगा, वीडियो को लाइक करें और आगे तमाम फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो शेयर करें।